हम बात करेंगे आगामी दिनों में राजस्थान में एक नए पश्चिमी विक्षोभ की। सबसे पहले यदि वर्तमान सैटेलाइट पिक्चर पर एक नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि ये आज 7 जनवरी को करीब 12 बजे की दिन की ये सैटेलाइट पिक्चर है, और इसमें यह स्पष्ट है कि जो पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में पिछले 4-5 दिनों से जो घना कोहरा दर्ज किया जा रहा था, उसमें काफ़ी इलाकों में जो है वो कोहरे में कमी दर्ज हुई है। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान के जो इलाके हैं, खासकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यानी नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, आसपास का जो सरहदी इलाका, इसके अलावा जो पंजाब से लगते हुए ज़िले हैं, इनमें अभी भी घना कोहरा जो है वो दर्ज किया जा रहा है। तापमान की बात करें तो अभी भी अधिकतम तापमान जो है वो कुछ इलाकों में औसत से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे है, यानी सीवियर कोल्ड डे की परिस्थिति दर्ज की जा रही है। अब बात करें यदि आगामी दिनों में एक नए पश्चिमी विक्षोभ की, तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो अगले 24 घंटों में राजस्थान के कुछ इलाकों में सक्रिय होगा। सैटेलाइट पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का हिस्सा, यानी कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में आप देख सकते हैं कि अभी बादल छाए हुए हैं, और जो आसपास के लगने वाले मध्य प्रदेश के जो से लगने वाले ज़िले हैं, इनमें कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों में होने की संभावना है। शेष भागों में अभी भी मौसम अगले 24 घंटों में शुष्क बना रहेगा। बात करें यदि 8 और 9 जनवरी को मौसम पूर्वानुमान की, तो आप देख सकते हैं कि 8 और 9 जनवरी को जो है वो मेघ गर्जन, थंडरस्टॉर्म और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। खासकर जो उदयपुर संभाग का जिला जो इलाका है, इसके अलावा कोटा है, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग, यानी जो पूर्वी राजस्थान के हिस्से हैं, इनमें विशेषकर 8 और 9 जनवरी को इस सिस्टम का सर्वाधिक असर रहेगा। इस दौरान बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म भी होगा, और खासकर इस सीजन में इस स्पेल के द्वारा कहीं कहीं ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जो बीकानेर और जोधपुर संभाग के जो एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट्स है, यानी कि सरहदी जो इलाके हैं या जो बॉर्डर से लगने वाले ज़िले हैं, उनमें बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम रहेगी, सिस्टम का असर काफ़ी कम रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी, लेकिन जो बारिश और ओलावृष्टि की जो गतिविधियाँ हैं वो पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी कम देखने को मिलेगी। आप देखें यदि तारीख वाइज यदि देखें तो अगले 24 घंटों में आप देखेंगे कि ज़्यादातर इलाकों में मौसम अभी भी शुष्क रहेगा। केवल जो कोटा संभाग के इलाके हैं, इसके अलावा जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर की तरफ ही बादलवाई रहेगी, और केवल हल्की बारिश ही की होने की संभावना है। 8 जनवरी को देखिए सिस्टम का असर जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया है कि पूर्वी राजस्थान के जो अधिकांश इलाके हैं, यानी कि जयपुर संभाग, वहीं कोटा, उदयपुर संभाग और जो भरतपुर संभाग के इलाके हैं, इनमें थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और रेनफॉल की गतिविधियां, यानी बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। पश्चिमी राजस्थान के जो इलाके जैसलमेर, बाड़मेर, इसके अलावा बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन इलाकों में काफ़ी कम बारिश होने की संभावना है। केवल छुटपुट इलाकों में लाइट रेन या हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। 9 जनवरी को भी देखें तो सिस्टम का जो मेन असर है वो पूर्वी राजस्थान की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट रहेगा। 9 जनवरी को भी इस सिस्टम के असर से बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, कहीं कहीं ओलावृष्टि जो है वो पूर्वी राजस्थान में हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में आप देखेंगे ज़्यादातर इलाकों में उत्तरी हवाओं का प्रभाव शुरू हो जाएगा, यानी कि कोल्डनेस बनी रहेगी, हालांकि बारिश की गतिविधियाँ जो है वो काफ़ी कम दर्ज होगी। इसके अलावा बात करें यदि आने वाले दिनों में मौसम पूर्वानुमान के मद्देनज़र एक विशेष कृषि मौसम सलाह जो मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी की गई है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की संभावना है, कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ मध्यम दर्जे की हो सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में खासकर जो कृषि विज्ञान, कृषि मंडियां जो है उनमें जो खुले में रखे हुए जो अनाज या जिनसे हैं उनको भीगने से बचाने के लिए समुचित उपाय करें। दूसरा जो सलाह है वो, यदि रबी की फसलों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये फसलों के लिए बारिश जो है वो काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। ऐसे में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसी प्रकार का रसायन का यदि कोई छिड़काव करना है तो कृपया 2-3 दिनों के लिए बारिश की गतिविधियों को ध्यान में रखकर ही करें, अवॉइड करें। इसके अलावा तीसरा इम्पोर्टेंट जो सलाह है वो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के केस में, यानी कि अब यदि आपके आसपास कहीं मेघ गर्जन हो रहा है या बिजली चमकने की परिस्थितियां पैदा हो रही है, तो खासकर पेड़ों के नीचे शरण ना लें। कृपया करके जब तक थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की गतिविधियां जारी है, एक सुरक्षित स्थान पर शरण लें। तो खासकर जो जो विशेष रूप से जो कृषि सलाह है वो यही है
इसके अलावा 10 जनवरी से बात करेंगे तो मौसम जो है वो एक बार फिर से शुष्क होगा। हालांकि उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में आप देख सकते हैं कि तापमान में जो है वो पुनः गिरावट होगी, यानी डे टेम्परेचर भी कम होगा और कहीं कहीं नाइट टेम्परेचर्स में भी गिरावट होगी। इसके अलावा कहीं कहीं घना कोहरा भी, चूँकि बारिश की गतिविधियाँ होगी, मॉइस्चर बढ़ा हुआ रहेगा, इसलिए कहीं कहीं घना कोहरा भी अगले 4-5 दिन छाए रहने की संभावना है।